कोरोना वैक्सीन को विदेश भेजने से जुड़े प्रश्न को बीजेपी ने बेवकूफाना करार दिया है। कोविड 19 संकट के बीच पार्टी ने अपनी एक फैक्ट सीट में इसका जवाब दिया है। कहा है कि 17 करोड़ डोज भारतीयों को दे दिए जा चुके हैं, जबकि इसका महज एक तिहाई हिस्सा ही निर्यात किया गया है। दरअसल देश में गहराते महामारी के दौर के बीच बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपनी कार्यशैली और रणनीति को लेकर विपक्ष, मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आई है। अपनी कड़ी निंदा का शिकार होने के भाजपा यह फैक्ट सीट पलटवार के तौर पर लेकर आई है। यह दस्तावेज इस मसले पर की गई पार्टी की निंदा का जवाब देता है। साथ ही यह सवाल उठाने वालों के बुद्धि विवेक पर भी सवाल करता है। वहीं सोशल मीडिया पर इस मसले को लेकर टिप्पणी की गई थी, अगर भारत में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री होती तो क्या होता। फैक्ट सीट में बताया गया है कि काश लोगों के पास बेहतर आईक्यू होता। यही नहीं, डॉक्यूमेंट के जरिए किसानों के आंदोलन केरल व तमिलनाडु में विपक्ष की रैलियों कोरोना केसों के आए उछाल के लिए दोषी ठहराया गया। तर्क दिया गया है कि संक्रमण की दशरू लहर संक्रमण की दूसरी लहर महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से शुरू हुई थी, जो कि विपक्ष शासित सूबे हैं। वहीं फैक्ट शीट में इसके अलावा उस सवाल को भी सिरे से खारिज कर दिया गया और बेवकूफाना बताया गया, जिससे में पूछा गया था कि आखिरकार जब देश में कोरोना टीके की कमी थी तब भी आखिरकार उसे विदेश क्यों भेजा गया। दस्तावेज में कहा गया, हम 17 करोड़ वैक्सीन के डोज दे चुके हैं, जबकि इसका करीब एक तिहाई हिस्सा ही दूसरे मुल्कों को भेजा गया। जानकारी के मुताबिक हर स्तर के बीजेपी नेता से इस फैक्ट सीट को ट्वीट करने के लिए कहा गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि देश में कोविड 19 टीका लगवाने वालों की संख्या 18 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। वहीं 18 से 44 साल के 4,47,192 लोगों को कोविड 19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है और इस तरह इस टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत से अब तक 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इस वर्ग में लोगों को टीका लग चुका है। इस बीच सरकार ने आगाह किया है कि वायरस फिर से उभर सकता है और इसलिए राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी की जानी चाहिए। बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की जरूरत है, जबकि पाबंदियां और उचित व्यवहार का अनुपालन होना चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।